अमरोहा में पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार। आज हुई प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया, जिसमें अवैध शस्त्रों सहित शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि ग्राम पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 18/6/2020 को कोतवाली हसनपुर एवं थाना सैद नगली पुलिस टीम द्वारा ग्राम ढकिया खादर के जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद करते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, अर्ध बने तमंचे, शस्त्र बनाने के उपकरण व कारतूस बरामद करते हुए दो अभियुक्त, जिसमें से एक निषाद उर्फ चीपा पुत्र कमरुद्दीन निवासी मोहल्ला कुरेशियान कस्बा उजारी थाना सैद नगली को मौके पर हसनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा मौके से भागे। इसके साथ ही अनस पुत्र अनीश निवासी मोहल्ला कुरेशियान कस्बा व थाना सैद नगली अमरोह को थाना सैद नगली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसमें आज जनपद अमरोहा में ऑपरेशन JCB के तहत जो अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाया गया है, उसमें हसनपुर और सैद नगली थाने की पुलिस ने मिलकर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये दोनों अभियुक्त जो हैं आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के तहत और जो अन्य लोगों को अवैध शस्त्र बांटने के लिए ढकिया खादर गाँव के जंगलों में ये शस्त्र का निर्माण कर रहे थे। इसमें इनके पास हमको ड्रिल मशीन, धोकनी, कई पत्तियाँ, नाल इत्यादि मिली हैं। साथ ही साथ इसमें 13 कुल हमको 13 बने और 13 अर्धनिर्मित शस्त्र मिले हैं, जो कि पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ पे इन्होंने बताया है कि ये अवैध शस्त्रों के साथ साथ गोवंशीय पशुओं के भी वध करने का कारोबार करते थे, गौ तस्करी में लिप्त थे और इसी के चलते इन्होंने ये साथ ही साथ ये काम भी करते हैं, जिसमें कि एक तमंचे को लगभग 3,000 से 4,000 रुपये में बेचते हैं। इनके पास से हमें एक देसी बंदूक भी मिली है 12 बोर की, उसके बारे में पूछताछ की गई है और यह अक्सर बनाकर अपने पास रख लेते थे और जैसे लोगों को मुलाकात करते, जैसे ज़रूरत पड़ती थी उस हिसाब से आगे इनको बेचा करते थे।